लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और नीचे है एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब डिवाइड करते हैं, लिखते हैं डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई में एक्स स्क्वायर, और नीचे देखिए आपका एक्स का पावर 4 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 बाई में एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा यहाँ 1, यहाँ भी कट जाएगा 1 dx। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल ऑफ ये 1 और प्लस में इसको ले लेते हैं 1 बाई एक्स का स्क्वायर, यहाँ ये कटेगा तो माइनस 2 बाई में एक्स हो जाएगा, और नीचे आपका एक्स का स्क्वायर प्लस इसको लिख लेते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 dx। इसको और इसमें अलग अलग डिवाइड करके देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और नीचे है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 बाई में एक्स और बाई में नीचे है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे सेट करेंगे, देखिए किसका फॉर्म लगेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2b, माइनस वाले से लगाएंगे क्योंकि इसमें बीच में प्लस है, 1 प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में एक्स इंटू में 1 बाई एक्स प्लस 1 dx माइनस, यहाँ पर एलसीएम ले लेगा नीचे एक्स का स्क्वायर, एक्स का पावर 4 प्लस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, या एक एक से एक एक्स कट जाएगा, एक्स ऊपर एक चला जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा 1 प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर और नीचे x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, ये 2 और 1 3 यानी किया जाएगा यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर dx। अच्छा, और माइनस का इंटीग्रल ऑफ 2x बाई में x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ के लिए तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना जी, ये तो सेट हो गया है, इसमें देखिए पुट कर देंगे x माइनस 1 बाई एक्स को t और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू में डी टी आ जाएगा, तो यहाँ पे रख ही देते हैं इसको, उसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 बाई टी का स्क्वायर प्लस में रूट अंडर 3 का स्क्वायर डी टी माइनस, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, एक काम करते हैं हम लोग, नीचे ना 4 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 टू जा 8x हो जाएगा, और नीचे 4x का पावर 4 प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 4 dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो आपको पता है 1 बाई रूट 3 टेन इनवर्स टी बाई में रूट 3 माइनस, यहाँ पर देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे ना इसमें से 2 को बाहर कर लेते हैं 4x और बाई में नीचे देखिए क्या करते हैं 2x स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू में 2x स्क्वायर इंटू में 1 प्लस का 1 का स्क्वायर ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट और प्लस 4। चलिए अब इसके बाद देखिए 1 बाई रूट 3 टेन इनवर्स, इसका वैल्यू रख दे क्या x माइनस 1 बाई एक्स और बाई में रूट 3 माइनस 2 4x बाई में, नीचे फॉर्मूला हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 4 तो 3 आ जाएगा, 3 यानी कि रूट 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए 1 बाई रूट 3 टेन इनवर्स, ऊपर एलसीएम ले लो x, x स्क्वायर माइनस 1 बाई में रूट 3 माइनस 2, यहाँ पर देखिए पुट करते हैं हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ पर z और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 4x dx इक्वल टू में आ जाएगा dz, तो ऊपर 1 यहाँ dz देते हैं, ये आपका z का स्क्वायर और प्लस में रूट 3 का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए ये 1 बाई रूट 3 टेन इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 बाई में रूट अंडर 3x माइनस 2 इंटू में क्या होगा 1 बाई रूट 3, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1 बाई रूट 3 टेन इनवर्स
जेड बाई रूट थ्री और प्लस में सी, जेड का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, 1/√3 टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/ में √3x माइनस 2/√3 टेन इनवर्स जेड की जगह पे 2x² + 1 और 1/√3 और प्लस का सी, आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए।